नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जो आपको यहाँ शो हो रहा हो, बहुधान्या.blogspot.in, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी तक हम 6 वीडियोस बना चुके हैं, आज हमारा 7वां वीडियो है, जिसमें हम अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, चंडीगढ़ एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। आई थिंक ये किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको। ये लास्ट 10 ईयर्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हैं या फर्स्ट टाइम इसको व्यू कर रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और आप मुझे गूगल प्लस, फेसबुक और ट्विटर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जीवन में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया हो, यानी कि यूनेस्को द्वारा इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शंस है मैग्नेस पुरस्कार, बुकर प्राइज, कलिंगा अवार्ड, कालिदास अवार्ड। तो इसका आंसर सी है, कलिंगा अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक फसल जो बागवानी नहीं कहा जा सकता, इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसे बागवानी नहीं कहा जा सकता। एप्पल, कोकोनट, मूंग, सनफ्लावर। तो इसका आंसर सी है, मूंग है जो उसको हम बागवानी नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 29 मई 2009 को किस देश ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं म्यांमार, बांग्लादेश, फिजी, नेपाल। तो नेपाल है जो हमारा पड़ोसी राज्य, सॉरी देश, उसने 2009 में 29 मई को अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, यानी कि वहाँ पर अब 2009 से राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, अब वहाँ से राजवंश खत्म कर दिया गया है, अब से वहाँ पे राष्ट्रपति बैठता है, प्रधानमंत्री है, उनकी अपनी एक वो जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे लोकसभा संसद है, वहाँ पर भी उनकी एक संसद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, IBRD द्वारा, या अनकटेड यानी UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर डी है, अनकटेड। एक्चुअली जो ये क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चंस चंडीगढ़ PGI के कोई एग्ज़ाम था उसमें से डाले गए हैं, कोई एग्ज़ाम मिला है मुझे उसमें ये क्वेश्चंस आ रखे थे, और भी बहुत क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम वही क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, दिल्ली के अलावा किस केंद्र प्रशासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है। ऑप्शन है चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली। मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, आपको इसमें से कोई गैस करना हो फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। तो इसका आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी और दिल्ली में दोनों में विधानसभाएं हैं, यानी यहाँ दोनों मुख्यमंत्री बैठते हैं, बाकी सभी जगह ओनली फॉर गवर्नर्स होते हैं जो यूनियन टेरिटरीज है, ध्यान रखिए इस बात का। और दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस पे भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCC जिसको आप नेशनल कैडेट कोर भी बोलते हो, NCC का आदर्श वाक्य क्या है। भारत माता की जय, वीरता और विवेक, एकता और अनुशासन, हम आपकी देखभाल के लिए। तो इसका आंसर है सी, एकता और अनुशासन। NCC की जो आदर्श वाक्य है वो यही है। इसके अलावा जो हम आपकी देखभाल के लिए है ये चंडीगढ़ का मोटो है, आदर्श वाक्य है। ठीक है, डी है, हम आपकी देखभाल के लिए, ये है चंडीगढ़ का, और एकता और अनुशासन NCC का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था, यानी इस समय कौन है कोई बताएगा। इस समय आपको पता है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है भारत का,
पर इससे पहले सिंह हुआ करता था। तो ऑप्शन है 1947, 1972, 1980, 1950। मैं फिर आपको 2 सेकंड देता हूँ अगर आपको गैस करना हो तो। तो इसका आंसर है बी, 1972 से के बाद भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो बाघ कर दिया गया था, उससे पहले सिंह हुआ करता था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष है, जो अरविंद पनगड़िया जी है वो किस आयोग के उपाध्यक्ष हैं? नीति आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नीति आयोग। जो प्लानिंग कमीशन थी, योजना आयोग थी, उसको 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना दिया गया है, और उसके जो उपाध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया जी हैं, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब के पहले गवर्नर कौन थे? यानी 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पंजाब के पहले गवर्नर कौन थे? चंदूलाल त्रिवेदी, गोपी चंद भार्गव, महाराज भूपेंद्र सिंह, गुरदयाल दुग्गल। तो इसका आंसर है चंदूलाल त्रिवेदी। चंदूलाल त्रिवेदी जी पंजाब के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में पंजाब का गवर्नर ही चंडीगढ़ का गवर्नर कहलाता है? यानी कि किस वर्ष से, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, जो गवर्नर पंजाब का होता है उसे ही चंडीगढ़ का गवर्नर कहा जाता है, पर जो ये एक प्रोसीजर है ये कब से स्टार्ट किया गया, यानी ये कब से चलता आ रहा है कि जो पंजाब का गवर्नर होगा वही चंडीगढ़ का गवर्नर होगा? तो ऑप्शंस है 1985, 1966, 1955, 2000। तो मैं फिर आपको 2 सेकंड देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। किसी को गैस करना हो, अपनी जीके टेस्ट करनी हो तो वो कर सकता है। तो इसका आंसर है ए, 1985। 1985 के बाद, सॉरी 1985 से जो पंजाब का गवर्नर है वही चंडीगढ़ का गवर्नर कहलाता है, ठीक है। और हरियाणा का अलग से अपना गवर्नर है, जो आज की डेट में आपको पता है सोलंकी जी हैं, और बिजनौर जी चंडीगढ़ और पंजाब दोनों के हैं। तो ये आज 10 क्वेश्चन थे दोबारा आप सभी के लिए। आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और कुछ नए लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो इसके लिए अपने आप को प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर लेकर आएंगे कुछ नया। अभी के लिए धन्यवाद।